हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी थ्री वे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देंगे पैन कार्ड आधार कार्ड के माध्यम से अप्लाई करके कैसे बना सकते हो आप। दोस्तों, घर बैठे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल से आधार कार्ड के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई करके 5 मिनट के अंदर बना सकते हो। कैसे बनाना है इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आधार कार्ड के माध्यम से पैन कार्ड बनाने के लिए अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लीजिएगा और गूगल सर्च बार में आपको पैन कार्ड लिखकर सर्च करना है। ठीक है, जब आप पैन कार्ड लिखकर सर्च कीजिएगा तो यहाँ फर्स्ट में एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का, इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके नीचे सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो पहले वाले जो ऑप्शन है न्यू पैन इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है, टाइटल में यहाँ पर श्री लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट नेम आपको डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लास्ट नेम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक मिडिल नेम है, ठीक है, मिडिल नेम यहाँ पर डाल देना है। अगर मिडिल नेम है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको डाल देना है, जो कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर टिक लगाना है और यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, इस टोकन नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा। यहाँ पर पहले वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे तरफ स्क्रॉल करके आना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक आपको डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करके यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको आना है और यहाँ पर देखिए जेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो मेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर देखिए फादर्स नेम का ऑप्शन है, तो फादर्स का लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पर मिडिल नेम का ऑप्शन है, तो मिडिल नेम है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फादर्स वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक लगाना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इनकम फ्रॉम अदर्स पर आप टिक लगा दीजिएगा या अपने हिसाब से यहाँ पर और सारे ऑप्शन हैं उस पर टिक लगाइएगा। फिर नीचे तरफ स्क्रॉल करके आना है और नीचे तरफ आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्री कोड का, कंट्री कोड में 9 और डालना है, इंडिया आ जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करके आना है और यह नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब आपसे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो नीचे तरफ स्क्रॉल करके आना है।
उसके बाद यहाँ पर इंडियन सिटीजन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको टिक लगाना है। फिर अपने स्टेट का नाम, सिटी का नाम और फेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड एओ नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करके हिम सेल्फ का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर स्थान आपको डाल देना है, स्थान यानी अपने गांव का नाम। सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड के शुरू से 8 अंक आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करके आना है। जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको एडिट का। अगर आप कहीं भी इस फॉर्म में गलती किए हैं तो आप दोस्तों एडिट पर क्लिक करके सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद पेमेंट कितना करना है, तो यहाँ पर 106 रुपये 90 पैसा पेमेंट करना है। और अगर आप सहमत हैं तो इस पर टिक लगाकर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पे कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रिडायरेक्ट होगा। रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर एक क्यूआर कोड मिलेगा, आप गूगल पे, फोनपे, पेटीएम या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपको एक स्लिप जनरेट होगा, उसे आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट या सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका पैन कार्ड है आपके ईमेल पते पर मिल जाएगा, और ऑफलाइन जो पैन कार्ड है वो 10 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पैन कार्ड अप्लाई करके ऑनलाइन आधार कार्ड के माध्यम से बना सकते हो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।